अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन रेशा कबाब, जिसके लिए हमने मटन का गोश्त, अदरक लहसुन और हरा मसाला डाल के अच्छे से बॉईल किए हैं और इसको मैश कर लिए हैं। देखिए, आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं या चम्मच से भी मैश कर सकते हैं। ये अच्छे से मैश हो जाता है जब सॉफ्ट हो जाता है एकदम। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए हैं और इसको अच्छे से मैश किया है। ये तीसरा भी आलू हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके अंदर कुछ सूखे पाउडर जाएंगे वो हमने ले लिए हैं। इसके अंदर जाएगा ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, ये भुना जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है ज़रा सा, क्योंकि हमने आलू बॉईल करते समय भी नमक डाला था, मटन बॉईल करते समय भी नमक डाला था, इसके लिए हमने ज़रा सा नमक लिया है। ये ज़रा हाफ टी स्पून जितना हमने ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ लिया है। ये हमने हरी मिर्ची ली है, ये फीकी वाली हरी मिर्ची है। ये हमने 5-6 हरी मिर्चियाँ काट ली है अच्छे बारीक। ये हमने दिल लीव्स लिया है, सोए की सब्जी, इसे भी चॉप किया है। ये हरा धनिया हमने चॉप करके रख लिया है और ये पुदीना लिया है, इसे भी हम चॉप करके रख देंगे। पुदीना पहले से चॉप करके रखो तो ये पुदीना काला पड़ता है, तो इसके लिए आपको जब यूज़ करना हो वही टाइम पर आप पुदीना चॉप करिएगा। ये हम अंडे में डीप करके इसको फ्राई करेंगे। तो ये हमने अंडा लिया है, ये अंडे अच्छा सा फेंट लिया है, इसके अंदर नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और धनिया और दिल लीव्स डाला है हमने इसके अंदर और इसको अच्छे से बीट कर लिया है। और हम रेशा कबाब 2 टाइप से आपको फ्राई करना बताएंगे। ये 2 टाइप से हम फ्राई करना बताएंगे। तो ये है ब्रेड क्रम्ब लिया है हमने, एक इसके साथ हम फ्राई करना बताएंगे और एक हमने लिया है ये कच्ची सेवई, वाइट कलर की जो कच्ची सेवई आती है बारीक वाली, ये लिया है, इसके साथ भी हम फ्राई करके बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बनाना अभी रेशा कबाब। अभी हम पहले इसमें सूखे पाउडर डालेंगे। सूखे पाउडर डाल के इसको अच्छे से हम हाथ से मिलाएंगे। हाथ मेरे साफ है, मैंने हाथ को अच्छे से धो लिया था। अगर आपको चम्मच से मिलाना है तो चम्मच से भी मिला सकते हैं। चलिए, अच्छे से मिल गए हैं मसाले, सब पाउडर मसाले इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर आलू डालेंगे मैश किए हुए। ये हमने इसमें मैश पोटैटो भी डाल दिए हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैश किए हुए आलू डाल के भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसमें हरा धनिया, पुदीना, दिल लीव्स और मिर्ची धो के अच्छे से इसे भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसकी टिकिया बना लेंगे। देखिए, हमने सब कबाब बना लिए हैं, टिक्की बना के रखे हैं। अभी आपको बताते हैं, पहले हम ब्रेड क्रम्ब का बताएंगे। ये ब्रेड क्रम्ब लिए हैं हमने, एक टिक्की ऐसे उठाएंगे। एक टिक्की ऐसे लेंगे, इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। तो साइड में रखेंगे, दूसरी टिक्की लेंगे। आप अपने साइज का बना सकते हैं, जैसे आप खाते हैं वो साइज का आप ले सकते हैं टिक्की, बड़ी छोटी कैसे भी बना सकते हैं। ये मैंने बड़ी टिक्कियां बनाई हैं, आप छोटी टिक्की भी बना सकते हैं इसके, मतलब छोटे कबाब बना सकते हैं।
ये चारों को हमने ब्रेड क्रम्ब लगा लिए हैं, अब इसको साइड में रख देंगे। ब्रेड क्रम्ब में हमने कबाब को कोट कर लिए हैं, अब वो कबाब हमने साइड में रख दिया है। अभी हम कच्ची सेवई में कबाब कोट करेंगे, इससे पहले हम इसको एग में डीप करेंगे। इसको भी यहाँ साइड में रख देंगे। हमारे कबाब सारे हमने कोट कर लिए हैं, हमने इस तरफ के ब्रेड क्रम्ब में कोट किए हैं, इस तरफ से हमने अंडे में डीप करके कच्ची सेवई में कोट कर लिए हैं। आप इसी तरह से कबाब कच्चे रख सकते हैं, फ्रीज में आप रख सकते हैं, ये रहेंगे 4 से 5 दिन। और फ्रीज़र आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज इसको आपको हाफ फ्राई करना है, हाफ डन करके आप फ्रीज़ करिए, तो फ्रीज 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं आराम से। क्योंकि अगर आप बगैर हाफ फ्राई किए अगर आप ये कबाब फ्रीज़ करते हैं तो आलू है ना, उसमें पानी पूरा जब्ज हो जाता है, तो उससे क्या आप बाद में फ्रीज़र से निकाल के आप फ्राई करते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है। और हाफ फ्राई करने के बाद ये अच्छे टाइम इसका अच्छा टाइम होता है, अच्छे टाइम तक रहता है ये, और आलू पानी नहीं पकड़ता है फ्रीज़र का। तो आप कभी भी फ्रीज़र में रखने के लिए या आलू जैसी चीज़ है ना, हाफ फ्राई करके रखिए। ऑयल हमने पहले से ही मीडियम स्लो गैस पे हमने रख दिया था गरम होने, ये गैस हमारा मीडियम स्लो ही है। चेक करते हैं हमारा गैस तेल गरम हुआ कि नहीं, तेल हमारा माशाल्लाह गरम हो गया अच्छे से। इसमें अभी हमने जो कबाब कच्ची सेवई में कोट किए थे वो डाल देंगे, पहले उस कबाब को फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, एक तरफ अच्छे से पकने देंगे, फिर हम उनको पलटाएंगे कबाब को। हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे फ्राई हो गए हैं, देखिए माशाल्लाह। चलिए अभी हम इसको निकाल लेते हैं कबाब को। पानी निथार देते, सॉरी ऑयल निथार देते हैं इसका, और बचा कुचा जो ऑयल होगा वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी अब हमारे जो ब्रेड क्रम्ब में हमने कोट किए थे कबाब, उसको हम एग में डिप करेंगे। इसको हमने एग में डिप किया है, अभी हम ऑयल में छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह,
ठीक है, इसको इसी तरह से हम रहन देंगे, ये एक तरफ से हो जाएगा, उसके बाद ही इसको पलटाएंगे कबाब को। आप रमज़ान में भी इसी तरह से इसे बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। दोनों स्टाइल में बना के आप ट्राई कीजिएगा और खाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं ये कबाब। ये वाले कबाब भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, थोड़ा इसको गोल्डन कलर आने देते हैं, फिर हम इसे निकाल देंगे। अब ये थोड़े हल्के गोल्डन है, ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या है, अंडा कड़वापन टेस्ट देता है, तो अंडे को कम बनाए पकाएंगे ना तो ही अच्छा है। ज़्यादा आप ब्राउन करोगे तो कलर भी अच्छा नहीं लगता है और कड़वापन भी कबाब पे आ जाता है। चलिए अभी हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं, दोनों टाइप से आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप इसे चटनी के साथ, नींबू निचोड़ के या कोई कैचअप वगैरह के साथ भी आप खाएंगे, बच्चे बहुत पसंद करते हैं।